हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले पे आप सभी को बताने वाले हैं कि कितने हद तक आप सभी की संभावना है कि पेपर दोबारा हो सकता है। क्या वाकई में यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं रद्द हो सकती है? क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है? इस मामले पे सरकार की क्या मनसा है और यूपी बोर्ड की पेपर दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितना चांस है? तो आप सभी को पूरे वीडियो में सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, देखिए, यूपी बोर्ड पेपर लीक के मामले में, पेपर लीक मामले पर आया यूपी बोर्ड का बड़ा बयान, उठाया ये सख्त कदम। ठीक है, तो देखिए कौन सा सख्त कदम उठाया गया है, इस मामले को पूरा यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड 12 एग्जाम पेपर लीक। यूपी में पेपर लीक की घटनाओं के बीच एक फिर से यूपी बोर्ड की 12वीं के जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक हो गया है, जिसको लेकर यूपी बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं। ठीक है, यानी यूपी बोर्ड की जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ, गणित का पेपर लीक हो चुका है। अब देखिए इसके बारे में क्या सरकार की मंशा है और सरकार ने क्या जवाब दिया है। देखिए, यूपी बोर्ड जो यहाँ पे है, यूपी बोर्ड क्लास जो 12 पेपर लीक, यूपी बोर्ड में पेपर लीक की घटनाओं के बीच एक बार फिर से यूपी बोर्ड 12वीं की पेपर लीक हो गया था। बता दें कि गुरुवार के दिन दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद आगरा में व्हाट्सएप पर 12वीं की गणित और जीव विज्ञान का पेपर वायरल होने लगा था। पेपर लीक होने के बाद आगरा में जांच चल रही थी। इस मामले में यूपी बोर्ड के तरफ से एक बयान आया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट की परीक्षाओं के दौरान दोपहर 3:10 पर आगरा की परीक्षा पर्यवेक्षक श्री मुकेश अग्रवाल द्वारा ठीक अवगत कराया गया है कि आल प्रिंसिपल आगरा नामक के व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान और गणित का पेपर वायरल किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद मामला देखते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:05:15 तक होती है। गुरुवार को विनय चौधरी नामक व्यक्ति ने दोपहर 3:10 पर जीव विज्ञान और गणित का पेपर आल प्रिंसिपल्स आगरा नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। तब तक परीक्षा को शुरू हुए 1:10 बीत चुके थे। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा दे रहे थे, जिससे किसी भी स्तर पर यूपी बोर्ड की 12वीं की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षाओं में संभावना नहीं है, असुविधा नहीं हुई है। देखिए, आप उसको सीधा सीधा बता दें कि आपका पेपर जो दोपहर शिफ्ट में चलता है 2:05:15 स्टार्ट होता है और 5:15 तक चलता है, लेकिन इसके बीच में पेपर वायरल हुआ है। यानी कि कितने बजे? 1 घंटे बाद आपका पेपर वायरल हुआ था, अर्थात 3:10 पर पेपर वायरल व्हाट्सएप पे किया गया था, जिससे ये संभावना एकदम 100% आपको बता दे कि है कि आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। ये पेपर आपका जैसे 2 बजे से प्रारंभ होने वाला था, 1 बजे ये पेपर वायरल होता तो जाके आपका पेपर दोबारा होता, लेकिन आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आपका सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका पेपर दोबारा नहीं होगा, ये आपको 100% श्योर कर देते हैं। इसलिए कि ये पेपर आपका जो प्रारंभ हो गया था, प्रारंभ होने के 1 घंटे बाद ये पेपर को वायरल किया गया है, इसलिए आपके पेपर दोबारा होने की संभावना है नहीं है। आप निश्चित होकर जो शेष पेपर आपका बचा है, आप अपने पेपर को दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।